नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि सपा का यह दाव उल्टा पड़ता दिखा। सपा के कई साथियों ने खुद को इस हंगामे से दूर रखकर अखिलेश को अलग थलग दिखाया। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र का पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भारी शोर शराबे के बीच अभिभाषण पढ़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि महंगाई, कानून व्यवस्था और आवारा पशु जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच नंबर बढ़ाने की कोशिश में किया गया हंगामा अखिलेश यादव के लिए ही उल्टा पड़ गया है। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में अखिलेश यादव काफी अलग थलग पड़ गए हैं। विधानसभा में एक तरफ जहां सपा के विधायक हंगामा कर रहे थे, तो गठबंधन के कई साथी शांत बैठे रहे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक चुपचाप अभिभाषण सुनते रहे, तो विधानसभा की कार्रवाई के बाद पार्टी प्रमुख ओपी राजभर ने सपा के हंगामे का खुलकर विरोध किया। उन्होंने इसे गलत परंपरा बताते हुए सपा प्रमुख के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल भी बेहद खामोशी से बैठे रहे। उन्होंने इस हंगामे से खुद को पूरी तरह अलग रखा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जहां सपा को घेरा और इसे मर्यादा के खिलाफ बताया, वहीं अखिलेश यादव ने विधानसभा की तस्वीरें शेयर करते हुए इसे सशक्त और सक्रिय भूमिका के रूप में पेश किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज विधानसभा में सशक्त, सक्रिय और सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका में जनहित के मुद्दों के साथ मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में प्रवेश करने से पहले अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता के मुद्दों को उठाना और अपनी बात रखने को हंगामा नहीं कहा जाता। अखिलेश यादव इन दिनों कई बड़े नेताओं के बगावती रुख से जूझ रहे हैं। इसी बीच विधानसभा में जिस तरह सपा अलग थलग पड़ती दिख रही है, उसी राज्यसभा चुनाव में भी पार्टी की राह आसान नहीं मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव पर अपनों का दबाव काफी बढ़ चुका है और अगर समय रहते उन्होंने बागी सुरों को शांत नहीं किया तो आने वाले समय में मुश्किल और बढ़ सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, या यूं कहें कि उन्होंने सीएम योगी से टक्कर ले ली है। लेकिन ये टक्कर लेना उन पर भारी पड़ गया है क्योंकि उनकी पोल खुद ही खुल गई है। अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं अखिलेश यादव। अब आगे क्या करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।